हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल घर की रसोई में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बंगाली रसगुल्ले। यह रसगुल्ले सभी को बहुत पसंद आते हैं। इन रसगुल्लों को बनाने में घी तेल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता है, तो जो लोग घी तेल पसंद नहीं करते हैं उनको ये रसगुल्ले बहुत पसंद आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम रसगुल्ले बनाना। बंगाली रसगुल्ले बनाने के लिए हमने 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है। अब हम इसको गर्म करना स्टार्ट करेंगे। दूध को अच्छे से हमें उबालना है, इसलिए गैस को अभी हम हाई फ्लेम पे ही रखेंगे। अपने देखिए हमारा दूध बॉयल होने लगा है। अब हम इसे कंटिन्यू चलाते रहना है ताकि इसमें मलाई ना पड़े। अब ये मैंने यहाँ पे विनेगर ले लिया है 2 चम्मच, उसमें 3 चम्मच पानी डाल लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध में डालूँगी और इसका छेना तैयार करेंगे हम। थोड़ा सा और डालेंगे। गैस के फ्लेम को हम बंद कर देंगे। थोड़ा सा और डाला, मिक्स किया हमने। हमें धीरे धीरे से चलाना है। देखिए धीरे धीरे हमारा दूध फटने लगा है। देख सकते हैं आप, हमारा दूध फट गया है, पानी बिल्कुल अलग हो गया है, हमारा छेना बनकर तैयार है। अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद कॉटन के कपड़े से छान लेंगे। अब ये ठंडा हो गया है थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे मैंने एक बर्तन लिया है, उसके ऊपर एक कॉटन का दुपट्टा लगा लिया है। अब हम इसको छानेंगे छेने को। अब छेने के ऊपर हम थोड़ा सा ठंडा पानी मिक्स करेंगे और इसको अच्छे से हाथों की सहायता से निचोड़ लेंगे। हमें बहुत ज़्यादा नहीं निचोड़ना है इसको, थोड़ा सा इसमें मॉइस्चर बना रहे। ये देखिए हमारा छेना बनकर तैयार है। ये कितना ड्राई सा हो गया है, इसको हाथों की सहायता से हम अच्छे से मसलेंगे। अब ये हम हथेलियों से मलेंगे इसको। करीब 10 से 15 मिनट मलने के बाद इसको हमने सॉफ्ट बना लिया है। अब इसमें मैं 1 चम्मच अरारोट पाउडर मिक्स करूंगी। मिक्स करेंगे इसको अच्छे से छेने में और फिर से हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए हथेलियों से अच्छे से मलेंगे। ये देखिए हमारा छेना बिल्कुल बनकर तैयार है, सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसकी छोटी छोटी गोलियाँ बना लेंगे। हमें बहुत ज़्यादा गोलियों का साइज़ बड़ा नहीं रखना है, क्योंकि अभी ये चाशनी में जब डूबेंगी तो इनका साइज़ डबल होगा, इसलिए हमें नॉर्मल साइज़ की गोलियाँ बनानी हैं। अब हम इसी तरीके से अपनी सारी गोलियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए हमारी सारी गोली बनकर तैयार हैं। अब हम चाशनी बनाएंगे। यहाँ पे मैंने चाशनी के लिए 1 कटोरी चीनी ली है और उसमें 5 कटोरी पानी ऐड कर दिया है और इसको बॉयल होने तक के लिए छोड़ दिया है। देखिए हमारी चाशनी अच्छे से उबल गई है। अब हमें इसमें ही अपनी सारी गोलियों को डालना है। बहुत केयरफुली अपनी सारी गोलियों को एक एक करके चाशनी में हम डालेंगे। एक साथ नहीं डालेंगे, एक साथ डालने से हमारी चाशनी के जो बबल्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अब हम 2 मिनट के लिए इनको ऐसे ही खुला छोड़ देंगे सारी गोलियां डालने के बाद। दो मिनट के बाद अब हम इसको ढककर
5 से 7 मिनट के लिए इसको ढककर उबालेंगे और बीच बीच में इनको चेक करेंगे हम। 5 मिनट बाद हम इनको देखेंगे, देख सकते हैं आप गोलियों का साइज़ बढ़ गया है, ये बहुत फूल गई हैं अच्छे से, ये आप देख भी सकते हैं इनका साइज़ डबल हो गया है। अब हम इनको एक एक करके थोड़ा सा पलट देंगे। आप चाशनी में चाहे रोज़ वाटर, केवड़ा या फिर केसर हो तो केसर भी डाल सकते हैं खुशबू के लिए, और कुछ नहीं है तो आप इलायची के दाने भी डाल सकते हैं। 15 मिनट और बॉयल होने के बाद हम देखेंगे हमारे रसगुल्ले बनकर तैयार हैं। रसगुल्ले में चाशनी बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो गई है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ढककर ठंडा होने के लिए रख देंगे। देखिए हमारे रसगुल्ले ठंडे हो गए हैं, अब हम इनको सर्व करेंगे। ये देखिए, ये मैंने एक रसगुल्ले को प्रेस किया, ये वापस अपनी शेप में आ गया है। ये बहुत ही स्पंजी बना है, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।